एक नई वीडियो के साथ, और 70/9 का हिंदी का पेपर करेंगे, 20 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रत्येक शब्द में संधि क्या है। तो जो प्रत्येक शब्द है उसमें जो हमें संधि है वो है यण संधि, प्रति प्लस एक यण, तो बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो आप अंश प्लस एक तो आपका आंशिक हो जाएगा, सो बी आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, आंशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्सु शब्द के लिए वाक्यांश क्या है। लिप्सु तो इसका आंसर हो जाएगा जो लेने की इच्छा रखता हो, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उपसर्ग जोड़ने के लिए उचित शब्द क्या होगा। देखो जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा उत्सर्ग, सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जीने की जो इच्छा रखता हो वो उसका आंसर हो जाएगा जिजीवशा, जिजीवशा इसी शब्दवर्तनी में भी आता है, ये शब्द शुद्धि में आता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आपका कामदेव शब्द का पर्यायवाची है वो होगा मनोज, तो इसका राइट आंसर वो सी है। नेक्स्ट है, जो गुणवाचक विशेषण है उसका उदाहरण क्या हो सकता है। थोड़ा पानी और डालो, तीन सदस्य और चाहिए, या वह कुछ दिन और रहेगा, या प्राचीन समय की बात है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन समय की बात है, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। जो देशज शब्द है हमने तद्बहुतत समय बात की थी कि जो देशज शब्द है वो होगा लोटा, तो सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अलग होने के योग में कौन सा कारक प्रयोग होता है। तो अलग होने का भाव यानी कि दूर होने का भाव, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आपादान। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से गिरकर अलग हो रहा है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपादान कारक, इसमें से की सेंस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। संग असंग, आकाश धरती, अवनत नत, और निंदा स्तुति। तो विलोम शब्द का युग्म आकाश का आपका हो जाएगा पाताल, तो इसमें जो गलत है वो है आकाश धरती, तो बी आपका राइट आंसर है, उसकी जगह पाताल होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, अनिश्चय भेद किसका होता है। अनिश्चय जो भेद है यहाँ पे सर्वनाम का होता है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं फ्रेंड, निश्चय अनिश्चय, तो इसी प्रकार सर्वनाम के अंतर्गत आएगा ये, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है। जो इंसानियत है वो एक फील भाव, इंसानियत हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते कि उसमें कितनी इंसानियत है, 10% है, 20% है, हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, भाववाचक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जो जातिवाचक संज्ञा है उसके अलावा जो नहीं है वो आपका राइट आंसर है, पर्वत, फल, नगर, एरावत। पर्वत भी आपका जाति को बोध कर सकता है, फल भी आपका जाति को बोध कर सकता है, नगर भी आपका जाति को बोध कर सकता है, लेकिन जो एरावत है वो स्पेशलिटी को दर्शाता है, तो ये जो आपका है एरावत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है। जो प्रतिदिन है उसमें आपका समास है अव्ययी भाव समास, ये जो प्र बे यथा यथाशक्ति, तो ये अव्यय को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचाननी है। तो जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है वो हो जाएगा थोड़ा सा, ये नहीं, भीतर बाहर ये भी नहीं हो सकता, अभी अभी ये भी नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आपका एक जो है अनुच्छेद दिया हुआ है, लेकिन हमें इस अनुच्छेद को पहले पढ़ना नहीं, हमें पहले क्वेश्चंस पढ़ने अपने, उसके बाद हमें अपने आंसर्स की तरफ जाना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सैर करने का सबसे आदर्श समय कौन सा है। तो बिल्कुल जस्ट आप फर्स्ट लाइन में जाइए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। हम में से बहुत से लोग प्रातःकाल सैर करने जाते हैं, तो सबसे अच्छा प्रातःकाल की सैर मानी गई है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा यहाँ पे प्रातःकाल, आपका ए आंसर, डी आंसर हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट है दौड़ने से क्यों बचना चाहिए, यहाँ पे पूछा फ्रेंड दौड़ने से क्यों बचना चाहिए, तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा इससे आप थक जाएंगे। आप देख रहे होगे यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर दौड़ने से थकान होती है, ये रहा, तेज चलिए पर दौड़ने से बचिए क्योंकि इससे आप जल्दी थक जाएंगे। बिल्कुल फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें लास्ट लाइन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पद यात्रा शुरू करने के दो लाभ क्या हैं, व्यायाम और खोज, प्रकृति अध्ययन और दौड़, प्रातः भ्रमण और व्यायाम, या शुद्ध हवा और खोज। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपके खेल कूद के जूते इसलिए आदर्श है, यहाँ आदर्श शब्द का क्या अर्थ है, तो अच्छा। नेक्स्ट पद यात्रा के लिए आवश्यक एकमात्र उपकरण क्या है, तो पद यात्रा के लिए आवश्यक एकमात्र उपकरण है आपका मजबूत जूते। अगर आपके पास मजबूत जूते होंगे तभी आप यात्रा के लिए सही सक्षम होंगे। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो 7 लाइन है, आराम और मजबूत जूतों की एक जोड़ी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लापे 80 क्वेश्चन का, सी आंसर। तो ये थे फ्रेंड्स 20 क्वेश्चंस 70/9 एग्ज़ाम के। ये हमने सीखे, ये आपके आने वाले DSSB के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। आप वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो उसको कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।